चलो कोई नहीं। सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा आपको गिवन है कि दो देर आर टू सम कोएक्सियल कॉइल्स और उनमें 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है सेम डायरेक्शन में। उनकी रेडियस 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। अगर ये भी 8 सेंटीमीटर होती देन इट विल बी हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स। और उनके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला आप क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, 8/5√5 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर, ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते बेटा अगर ये हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स होती। और हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स के लिए खास बात ये होती है कि उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो उनकी रेडियस के इक्वल होती है। यहाँ रेडियस 8 सेंटीमीटर है और सेंटर के बीच की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, तो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स नहीं है, वो आप डायरेक्टली फॉर्मूला काम में नहीं ले सकते। तो फिर अपन इनको अलग अलग कॉइल्स ले लेते हैं। फर्स्टली हम इस कॉइल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे सेंटर में, और बाद में सेकंड कॉइल की वजह से फाइंड आउट करेंगे। अब आपको ये तो पता है कि ये जो कॉइल है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये जो कॉइल है इसकी वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। वाई? देखो करंट की डायरेक्शन के लिए मैंने राइट हैंड पाम वाला रूल यूज किया, तो ये जो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है ये इसी तरह से, तो जो थंब है वो कहाँ है इनवर्ड्स, इसके लिए भी वापस थंब कहाँ है इनवर्ड्स। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी सेम डायरेक्शन होगी। तो क्या होगा टोटल बी क्या हो जाएगा, बी विल बी बी वन प्लस बी टू। ओके बेटा, तो यानी टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपके पास एड हो जाएगा दोनों का। वी कैन राइट बी इक्वल टू 2B1। वाई 2B1? बिकॉज दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन भी इसमें क्या होगी सेम होगी, इसलिए वी कैन राइट 2B1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट B1। अब B1 फाइंड आउट करने के लिए अभी जो मैंने एक डायग्राम बनाया था उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके लिए कि अगर एक्सियल लाइन पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी सर्कुलर कॉइल के लिए, मतलब टोटल आप 4 फॉर्मूले याद कर लो इसमें, वो एनफ है इसमें, इस चैप्टर में देट आर एनफ। ओके, उनसे बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं। तो वो फॉर्मूला क्या है बेटा, देट इज म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2R² प्लस X² की पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला बेटा। अगर आपको किसी भी सर्कुलर कोयल के एक्सियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट गिवन है और ये डिस्टेंस आपको गिवन है देट इज एक्स, ये डिस्टेंस क्या है एक्स, एक्स आपको गिवन है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट बिकॉज आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, म्यू नोट आपको पता है, एन पता है, आई 1 एम्पियर है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 6 सेंटीमीटर होगी क्योंकि टोटल 12 है, तो सेंटर पे तो 6 सेंटीमीटर हुए ना बेटा। तो इस फॉर्मूले में एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पुट करना, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आई की वैल्यू 1 एम्पियर है एंड और क्या गिवन है एन, एन इज इक्वल टू 100। तो बेटा ये सारी वैल्यू जब पुट करोगे तो आप आंसर निकाल पाओगे सोनू, जस्ट टेल मी बेटा। अच्छा आंसर नहीं आ रहा है, ओके मैं सोल्व कर देता हूँ फिर आगे। गुड, तो यहां पर हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या आंसर आएगा। तो राइट नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इज 4π × 10⁻¹⁷, देन n, n इज 100, देन व्हाट इज I, I इज 1 एम्पियर, व्हाट इज R, R इज 8 सेंटीमीटर, सो 8 × 10⁻²⁪ अपॉन देट इज 2R² प्लस X², R का स्क्वायर हो गया आपके पास कितना, इट विल बी 64 एंड X इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सो इट इज 36, 64 को और 36 को ऐड किया तो 100, तो 100 सेंटीमीटर² है और 100 सेंटीमीटर² को आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे मीटर में, सो इट विल बी 100 × 10⁻⁴ m², और अब पावर क्या लगा दोगे आप 3/2। ठीक है, ये जैन बेटा क्लास नहीं का बोला था तो क्लास नहीं हो रही आज, आज केवल अपन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो क्लास नहीं है आज। ठीक है, मैं एग्जांपल्स नहीं कर रहा, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी बता सकते हो। ओके जैन, सो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि 4π × 10⁻⁷, ये जो भी था अगर अपन इसमें कैंसिल आउट करें तो पहले आप ये देख सकते हो कि 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, देन इसी को सोल्व करना है अपने को ऊपर, तो आपके पास जो भी वैल्यू है आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज 4π × 100 इज 10⁻², एंड -2 कैंसिल आउट, सो इट बिकम्स 4π × 4 × 10⁻⁷ अपॉन में जो आपके पास है 100 × 10⁻⁴,
पावर 3/2, 3/2 का मतलब होता है बेटा हाफ पावर और वन पावर, हाफ पावर और वन पावर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो हाफ पावर का मतलब तो हो गया इसका रूट, तो 100 का रूट होता है 10, 10 टू द पावर माइनस 4 का होता है माइनस का 2, और वन पावर यानी ये कंप्लीट वापस एज इट इज 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. सो वी कैन राइट इट b1 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 हो गया 16 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. अपॉन में क्या वैल्यू है तो चेक कर लो, देखो 10 टू द पावर माइनस 2 एंड माइनस 4 हो गया माइनस का 6, यहां से हो गया आपके पास 10 टू द पावर 3. 3 तो पॉजिटिव है और माइनस 6 नेगेटिव है, तो 10 टू द पावर माइनस 3 रहेगा नेगेटिव में. इसको अपन अगर अपसाइड भेज दें तो इट विल बिकम पॉजिटिव 3. ओके चेक कर लो एक बार वापस, देखो 2 एंड 1 3, ये हो गया आपके पास 6, 6 में से 3 गए तो 3, 10 टू द पावर माइनस 3 अगर अपन में था तो उसको अगर अपन एक्सचेंज करें तो इट विल बिकम लाइक दिस पॉजिटिव 3. सो वी कैन राइट नाउ राइट इट 16 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. अब यू कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 3.14. सो b1 इक्वल्स टू 16 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ओके सुन, ओके बेटा ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर व्हिच वाज दैट 11, क्वेश्चन नंबर 11 एंड देन 13 17, 11 13 17, क्वेश्चन नंबर 11. स्क्वायर कॉइल हूज ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर हैज 20 टर्न्स एंड 12 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग, द कॉइल इज हैंगिंग वर्टिकली एंड ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मैक एन एंगल 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड फील्ड, हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल एक्टिंग ऑन द कॉइल. आपको इसके अंदर टॉर्क फाइंड आउट करना था बेटा, हालांकि इसमें तो केवल ये डाइपोल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो देट इज कैपिटल एम, बट हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, ये मैंने कल आपको बताया था. तो टॉर्क का फॉर्मूला रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए हमने डायरेक्टली एन आई ए बी साइन थीटा आपको याद होगा गैल्वेनोमीटर में भी यूज किया था, ठीक है, एन आई ए बी साइन थीटा. सो वी कैन पुट द वैल्यूज, तो इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन इज 20. व्हाट इज द आई, क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट चेक इट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज 12 एम्पीयर. व्हाट इज द ए, ए इज द एरिया, तो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर के लिए आप ये कह रहा है ई साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर कॉइल है, स्क्वायर का आपके पास रहेगा 10 इंटू 10, बट ये सेंटीमीटर में है सो वी कैन राइट 10 टू द पावर माइनस 4. देन बी द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.80 टेस्ला एंड थीटा इज 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री इज हाफ. सो नाउ वी कैन सोल्व इट, वी कैन रिमूव दिस पॉइंट, इट कैन बी रिटन एज 100. सो 100 से ये कैंसिल 100, और 2 से अगर आप कैंसिल करो तो 12 इज 6 टाइम्स, सो 2 बिकम्स इट इज 120 इंटू 80. देखो ये तो हो गया 120, ये हो गया आपके पास 80 एंड देन 10 टू द पावर माइनस 4, सो 2 इज इक्वल्स टू 9600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. We can write it to equals to, obviously we can write it 9.6 into 10 to the power, यहाँ से power 3 आएगी, यहाँ minus 4 है, so we can write minus 1 and that is Newton into meter. So it is the answer. Okay बेटा, सोनू, आंसर 5.02 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आ रहा है. ओके किसमें, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसकी बात कर रहे हो आप, चलो मैं प्रीवियस स्लाइड वापस ले लेता हूं. तो अपने पास यहां से कितना आया, अगर अपन 16 को मल्टीप्लाई कर दें 3.14 से तो कितना आएगा, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पर, 16 फोर जा 64, देन 6 देन 22 देन 2 48 इंटू 50, इट बिकम्स 50.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. So we can write it 5.024 into 10 to the power minus 3. हाँ minus 3 आएगा बेटा, वहां 4 नहीं है minus 3 आएगा. Okay सोनू, सोनू just tell me बेटा, बाकी भी wait कर रहे हैं कहाँ. देखो ये है 16 को 3.14 से multiply करेंगे तो अपने पास 50.24 आता है. हाँ वो गलत है, ये सही है, ठीक है. हाँ तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे ना अपने पास, बुक में जो भी आंसर है वो
आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये आपके पास आंसर आया B1 का। टोटल आंसर क्या होगा? 2B1। तो इसका डबल करके आप आंसर लिख सकते हो। ओके, बुक का आंसर नहीं देख रहा मैं, बुक का क्या है, मैं तो अपने जो सोल्व करा उसी का आंसर बता रहा हूँ आपको। ओके, सो हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की। अब बताओ ये भी हो गया आपका क्लियर। 9.6 × 10⁻¹ को हम लिख सकते हैं 0.96 न्यूटन × मीटर। ओके, राइट डाउन 11 इज ओके। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 17, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 13? 13 ए साइक्लोट्रॉन्स डीज रेडियस इज 0.5 मीटर। इसके लिए रेडियस आपको गिवन है, दैट इज 0.5 मीटर, एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी जब आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ाया था। मैंने कहा साइक्लोट्रॉन में जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड। तो वो आपको आपको गिवन है B=, आई थिंक इट इज 1.7 टेस्ला। देन कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द प्रोटोन। आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो वी कैन राइट EK = ½ Q²B²R² / m। दिस इज द फॉर्मूला, सो यू कैन राइट डाउन द वैल्यूज। ½ × Q² आई थिंक प्रोटॉन गिवन है अपने पास। यस, फॉर प्रोटॉन क्यू इज 1.6 × 10⁻¹। सो इसका स्क्वायर इंटू व्हाट इज बी 1.7, इसका स्क्वायर। देन व्हाट इज आर 0.5 का स्क्वायर। देन व्हाट इज एम, एम इज इट इज 1.67 × 10⁻²। सोनू, व्हाट वाज द डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सोनू जस्ट टेल मी बेटा, व्हाट वाज द डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? वी हैव पुट द वैल्यूज, नाउ यू कैन कैलकुलेट इट। क्वेश्चन नंबर 13, इज एनी डाउट जस्ट आस्क मी। आप बोलकर बता सकते हो बेटा, टाइप करने में टाइम लग रहा है तो। सोनू आर यू देयर के लीव कर दिया? सोनू है हमारे साथ। वो मैंने एक मिनट, सर 9 का आंसर है, पावर आ रहा था। ओके ओके, वो मैंने डिनोमिनेटर गलत ले लिया था। ओके बेटा, तो 13 डन। देन लास्ट क्वेश्चन अपने पास आ जाता है 17 क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन आपके पास है, इन ए सोलेनोइड ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग। तो एल आपके पास गिवन है 0.5 मीटर, वाउंडेड अराउंड इन एवरी लेयर द नंबर ऑफ टर्न्स इज 500। 500 टर्न्स है आपके पास। रेडियस आपके पास 1.4 सेंटीमीटर है, एंड 5 एम्पियर करंट, I = 5 एम्पियर। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो आपको सोलेनोइड में सेंटर पे आपको फाइंड आउट करना था, तो फॉर्मूला होता है B = μ0 NI। ये आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा। एक चीज मैं बता देना चाहूंगा आप सबको, ऑल स्टूडेंट जस्ट पे अटेंशन बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, और जरूरी क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 हो, सोलेनोइड हो और टोरोइड हो, इनमें अगर आपको आर गिवन है तो वो केवल कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। बिकॉज हमने यहां पर देखा μ0 NI, वी कैन फर्दर एक्सटेंड दिस दिस फॉर्मूला μ0 N/LI, राइट? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर कहीं आर है क्या? देर इज नो आर एनीवेयर। तो सोलेनोइड और टोरोइड के क्वेश्चन में जो स्मॉल आर गिवन होता है वो केवल कंफ्यूजन के लिए होता है। राइट नाउ यू हैव द μ0 4π × 10⁻¹। यस, देन एन एन इज 500, देन आई आई इज 5 एम्पियर, एंड एल एल इज गिवन, दैट इज 0.5 मीटर। सो पुट दीज वैल्यूज एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर। सोनू ओवर टू यू। सोनू जस्ट आस्क डाउट, पर अपने आपको अनम्यूट करके बता दो, रोंग आ रहा है इसका आंसर।
आंसर आ रहा है बेटा? चलो इसे सोल्व कर लेते हैं अपन। 4π × 10⁻⁷ एंड नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज 500, देन आई इज 5 एम्पियर एंड देन व्हाट इज एल, एल इज 0.5 मीटर। सो पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 5 से 5 कैंसिल, देन इट विल बिकम्स 5000 × 4, 2000 π × 10⁻⁷, सो इट विल बिकम्स 2π। 2π का मतलब हो गया 6.28, 6.28 × 10⁻⁴ टेस्ला। दिस इज आंसर बेटा। क्या आंसर आ रहा है आपके? दिस इज द आंसर। ओके आपके भी यही आ रहा है सोनू? ओके जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें भी रेडियस का कोई यूज नहीं है। अच्छा एक और चीज, अभी जैसे 0.5 था, आपने 0.5 रिमूव किया। कल एक क्वेश्चन किया था, मैंने कहा कि उसमें वैल्यूज शायद गिवन रॉन्ग है। तो जैसे एक क्वेश्चन था बेटा, उसमें अपने पास शायद सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, आप सब लोग चेक करना क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसमें भी अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें तो यही फॉर्मूला था अपने पास, μ0 Ni/2R। ठीक है, सेंटर ऑफ कोयल अगर फाइंड आउट करना था तो यही था, सेंटर ऑफ कोयल ही था शायद। टू कोइल्स ऑफ रेडियस 0.10 मीटर, सो कोइल यहाँ पर गिवन थी तो ये फॉर्मूला था। अब बेटा यहाँ पर लेंथ गिवन थी इस क्वेश्चन में, सो यहाँ पर n × 2πr टोटल आपके पास ये दे रखे थे, n × 2πr = L। सो आपके पास n फाइंड आउट करना था, n क्या हो जाएगा, L/2πr। अब आप इसको जब सोल्व कर रहे थे तो कल मेरे पास आया था 1/0.10, और फिर मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, वो भी जल्दी जल्दी पॉइंट में कैसे हो सकता है। पर ये नहीं सोचा कि ये पॉइंट अभी जैसे अपन हटा रहे थे, ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो इट विल बिकम 100, और 10 से जब 100 डिवाइड करो तो इट विल बिकम्स 10। तो ये आपके पास यहाँ से आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने बताया। देन हम बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। मैंने कहा कि उसमें डेटा सही नहीं दे रखा है, वो बिल्कुल सही बात थी, डेटा उसमें सही नहीं दे रखा था। एक वायर है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है सपोज करो साउथ टू नॉर्थ, और आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि ईस्ट में अगर पूछा है, वेस्ट में पूछता तो इधर, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन पूछी है। वैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लोगे यूजिंग दिस फॉर्मूला B = μ0 Ni/2πD। ये फॉर्मूला यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लोगे, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो यू विल यूज द राइट हैंड रूल। एंड राइट हैंड रूल क्या कहता है, डायरेक्शन अगर करंट के लिए ये थंब शो करता है तो ये जो आपके पास टर्न फिंगर से वो क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या होगा, इनवर्स, परपेंडिकुलरली इनवर्स। ओके बेटा, सो ये थी आपकी डाउट्स। अब एक और क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक भरत ने ही पूछा था, सोलेनोइड के लिए आपके पास उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसके इनसाइड, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम बेटा, दिस इज सोलेनोइड, आई एम जस्ट शोइंग दिस सोलेनोइड। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू आर शोइंग लाइक दिस, यू कैन ऑल्सो शो, लाइक दिस वन। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर फिर रेक्टेंगल यहाँ बन जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने करने के लिए यहाँ पर एम्पीरियम एक लूप ले रहे हैं, वो कंसिडर कर लेते हैं। सपोज लूप इज लाइक दिस वन, ऐसा एक लूप है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप है। इसके लिए ये जो है वो एक्स है लेंथ, और ये विड्थ जो है वो वाई है, ऐसा आप इसमें कंसिडर कर लेते हो। ओके भरत, भरत यस और नो? भरत आर यू गेटिंग माई वॉइस? ओके सो तो ये आपके पास ऐसा गिवन है। अब इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा फॉर द पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द एम्पियर्स लॉ, दिस इज एम्पियर्स लॉ, बट फॉर दिस पर्टिकुलर लूप वी आर जस्ट
टेकिंग इट एज ए फोर स्टेट वायर, हम लोग क्या कर रहे हैं इसको फोर स्टेट वायर की तरह ले रहे हैं, ठीक है। तो फोर स्टेट वायर में क्या होगा, एक PQ होगा, एक QR होगा, एक RS, एक SP, सारे जुड़ जाएंगे, PQ, QR, RS, SP, ये सारे जुड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो PQ के लिए अगर अपन बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये, तो थीटा यहाँ पर क्या होगा, 4PQ थीटा विल बी 0 डिग्री, 4QR थीटा विल बी 90 डिग्री, 4RS थीटा विल बी 0 डिग्री अगेन, देन 4SP थीटा विल बी 90 डिग्री अगेन, ठीक है। ऐसा आपके पास ये सारे थीटा, समझ में आया आपको भरत, ये सो नो थीटा कैसे है, देखो यहाँ पर दोनों क्या है, पैरेलल है, 0 डिग्री, इधर क्या है, 90 डिग्री। अब इस वजह से हमें पता है, वी ऑल नो दैट cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 हो जाता है। तो बताओ जो मैंने फोर वायर्स बोले उनमें से कौन सा 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा जो आपके स्ट्रेट वायर नजर आ रहा है, अगर मैं इनको रेड कलर से शो कर दूं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये 0 हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल, तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री एंगल। अब आपके पास वायर तो केवल एक तो ये बचा जो मैं आप ग्रीन से शो कर रहा हूं, ओनली PQ एंड SR, बट बेटा SR जो है वो क्या है, सोलेनोइड के आउटसाइड है, एंड सोलेनोइड के आउटसाइड आपको ये बताना है कि देयर विल बी नो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वी कैन से यहां पर बी क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली इन चारों वायर्स में से ओनली वायर PQ रिमेन्स, वी कैन राइट PQ BDL cos 0 डिग्री 1 होता है, म्यू नॉट सिग्मा आई, टोटल करंट इज आई, बट वी हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पर कितना करंट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, पर यूनिट लेंथ हमने कह दिया कि जो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉल n है, सो वी आर रिटन लाइक दिस। अब आपके पास टोटल यहाँ पर लेंथ कितनी है, x, सो इट विल बी nx एंड i, सिग्मा i की वैल्यू nxi कैसे है ये समझना, सिग्मा i हाउ वी गोट द nxi, बेटा nxi की इसलिए है कि ये एक पर्टिकुलर जो आपके पास अभी ये है, यहाँ पर मैंने कह दिया इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए जो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज स्मॉल n, पर यूनिट लेंथ द नंबर ऑफ टर्न्स आर स्मॉल n, सो टोटल लेंथ x है, तो इस x लेंथ में कितने हो गए नंबर ऑफ टर्न्स, nx। अब एक पर्टिकुलर आपके पास टर्न है उसमें से i करंट फ्लो हो रही है, तो nx में से कितनी फ्लो हो गई, nxi। अब बेटा dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो b तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, dl का इंटीग्रेशन क्या है, x, सो bx इक्वल टू म्यू नॉट nxi, x x कैंसिल कर दोगे, सॉरी x x कैंसिल कर दोगे, वी विल गेट b इक्वल टू म्यू नॉट nx, समझ में आई बात भरत, ओके बेटा। तो एनी अदर पर्सन, कोई किसी का डाउट है तो पूछ लो आप, कोई सा भी डाउट है, क्योंकि आज अपन एग्जांपल्स में नहीं शुरू करा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को मैसेज ये गया हुआ है कि आज क्लास नहीं लगेगी, और वैसे मेरे को भी यही था, पर इधर क्या है कि सारे इन्वर्टर वगैरह ओके थे, तो दैट्स व्हाई क्लास हमने कंटिन्यू कर ली, नुकसान नहीं हुआ है आपके कोई।